तो दोस्तों अगर आप फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच यूज करते हैं और इस स्मार्ट वॉच में अपना खुद का फेस लगाना चाहते हैं क्लॉक में, तो कैसे क्लॉक में लगा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने हूं। फिलहाल देख सकते हैं इस प्रकार का आपको यहां पे फेस देखने मिलेगा। जो भी फेस आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। पूरा प्रोसेस एक एक स्टेप के साथ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉच में अपना खुद का फेस क्लॉक में कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो काफी सारे आपको यहाँ पे क्लॉक के विजेट देखने मिलेंगे जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अपना फेस का लगाना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे आप इस प्रकार से स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने में काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में जाने के बाद नीचे में जाइएगा तो एप्स डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा और इस पर क्लिक करते तो आपको QR कोड देखने मिलेगा। और इस QR कोड को अगर आप पे स्कैन करते हैं तो एक एप्लीकेशन आपको शो होगा जिसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैं इसको यहां पे स्कैन कर लेता हूं तो अगर मैं यहां पे इसको स्कैन करता हूं तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, स्कैन करने बाद यहां पे वेबसाइट देखने मिलेगा। गो टू वेबसाइट पे क्लिक करता हूं और गो टू वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे देखिए डाब फिट के नाम से गूगल प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन देखने मिलेगा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद सबसे पहले प्रोफाइल देखने मिलेगा जिसमें आपको जेंडर देखने मिलेगा, बर्थ ऑप्शन देखने मिलेगा, हाइट देखने मिलेगा और वेट देखने मिलेगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो जो आपको यहाँ पे डालना है अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपको डन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपको डन पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, इसको आपको अलाउ कर देना है। और इसको जैसे आप यहाँ पे अलाउ करते हैं, अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, होम पेज में आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पे आपको क्लिक करके रखना है। क्लिक करने के ऊपर में आपको ऐड स्मार्ट वॉच टू गेट मोर हेल्थ इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें ऐड डिवाइस देखने मिलेगा। तो सबसे पहले स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करना है तो आपको ऐड डिवाइस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने में लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, इसको आपको अलाउ कर देना है। देन आपको नियर बाय डिवाइस का परमिशन मांगा जाएगा, इसको आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सर्चिंग किया जाएगा और जो भी आपको ये स्मार्ट वॉच होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देख सकते हैं ये यहाँ पे शो हो चुका है। जब आपको ये शो हो जाता है, शो होने के बाद सिंपली क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको डन वाला ऑप्शन मिलेगा, डन पे आपको क्लिक करना है। देन कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, पेयरिंग रिक्वेस्ट आएगा, आपको पेयर एंड कनेक्ट पे क्लिक कर देना है और इसको आपको यहाँ से पेयर कर लेना है। तो जब आप यहाँ पे पेयर पे क्लिक कर लेते हैं, पेयर कर लेते हैं, उसके बाद आपको थर्ड में आपको वॉच वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जो आपने यहाँ पे अपना स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करके रखा है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, साथ में बैटरी का परसेंटेज देखने को मिल जाता है। उसके अलावा नीचे में आपको वॉचेस फेसेस देखने मिलेगा जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं जो आपको क्लॉक में देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कोई वॉच को डाउनलोड करना है, उसका फेस को डाउनलोड करना है तो फेस गैलरी पर क्लिक कीजिएगा। तो फेस गैलरी पर क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे यहाँ पे वॉच देखने मिलेंगे जिसको डाउनलोड करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको काफी सारे यहां पे स्मार्ट वॉच के यहां पे गैलरी में फेसेस देखने को मिल जाते हैं। अपना खुद का फोटो लगाना है तो सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से स्क्रॉल कीजिएगा तो एक आपको क्लॉक में एडिट वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, तो उस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने का फोटो और वीडियो का परमिशन मांगा जाएगा, इसको आपको अलाउ कर देना है। और जैसे आप यहां पर अलाउ कीजिएगा, अलाउ करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे लास्ट में चले जाना है और सबसे लास्ट में जाने के बाद दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा AI वॉच फेसेस का और दूसरा ऑप्शन मिलेगा चूज फ्रॉम एल्बम। तो आपको चूज फ्रॉम एल्बम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद गैलरी में आपको चले जाना है और गैलरी में जाने के बाद जो भी आपका यहां पे फोटो है उसको आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं यहां पे सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, मैं यहां पे क्या करता हूं, एक फोटो को यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं। इस फोटो को मैं जैसे यहां पे सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद अपने हिसाब से आपको यहां पे एडजस्ट कर लेना है। ये एडजस्ट करने के बाद आपको ओके वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद ये आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको पोजीशन देखने मिलेगा। सबसे पहले तो आपको टाइम का पोजीशन देखने मिलेगा, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने में अबव और बिलो का ऑप्शन मिलेगा, अबव पे क्लिक कीजिएगा तो अबव में आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं ऊपर में, और बिलो में अगर आपको सेट करना है तो आपको बिलो पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर देना है। देन आपको अबव टाइम वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने बाद आपको डेट लगाना है, स्लिप लगाना है, हार्ट रेट लगाना है या स्टेप लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हार्ट रेट पे अगर सेट करते हैं तो आपको यहाँ पे हार्ट रेट ऊपर में देखने
देखने मिलेगा। और अगर आपको स्टेप लगाना है तो स्टेप पे क्लिक करके आपको डन पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे स्टेप जो भी काउंट होता है वो आपको यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद बिलो टाइम वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको डेट लगाना है, नीचे में डेट लगाना है, स्लिप लगाना है, हार्ट रेट लगाना है, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे डेट पे क्लिक करके इसको डन पे क्लिक कर दूंगा तो नीचे में आपको डेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन देखने मिलेगा, अपने हिसाब से यहाँ पे कलर चेंज करना है। जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट देखने मिला है कौन सा कलर आपको यहाँ पे लगाना है वो आप यहाँ पे कलर लगा सकते हैं। तो ये कलर आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, मैं यहाँ पे येलो को सेट कर लेता हूँ। देन आपको सेव पे क्लिक कर देना है, सेव पे क्लिक कीजिएगा, स्विचिंग बैकग्राउंड वाला ऑप्शन देखने मिलेगा और यहाँ पे देख सकते स्विचिंग हो रहा है। मैं आपको स्मार्ट वॉच में दिखाऊँ तो इसमें भी आपको देखिए स्विचिंग वाला ऑप्शन देखने मिलेगा और ये यहाँ पे लोडिंग होना चालू हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते लोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो लोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कैसे शो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं 96, 97, 99 और 100% कंप्लीट होने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपका फेस यहां पे क्लॉक में देखने मिलेगा और ये क्लॉक में इस प्रकार से आप यहां पे लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिल जाता है, तो देख सकते हैं यहां पे काफी अच्छे से क्लॉक लग चुका है। दूसरा अगर आपको यहां पे फेस लगाना है, दूसरा क्लॉक लगाना है तो आप यहां पे लगा सकते हैं, और अपना अगर आप लगाइएगा तो आपको यहां पे सेव देखने मिलेगा। जब चाहे आप इसको यहां से चेंज भी कर सकते हैं।